हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंट्राडे एक्सपर्ट में, जहां हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली एनालाइज करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे कमिंग वीक, यानी 2 मई से 5 मई तक। जैसे कि आप लोग पता है, कल मंडे, कल मार्केट ऑफ है, मई 1 के लिए महाराष्ट्र डे है कल, इस वजह से कल मार्केट ऑफ रहेगा। तो हमारा मार्केट खुलेगा ट्यूजडे यानी 2 मई। तो 2 मई से लेकर 5 मई, मतलब ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक निफ्टी में कौन से लेवल आ सकते हैं, बैंक निफ्टी में कौन से लेवल आ सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हो ऐड हो जाइए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें इंटरडे में लोग फ्री ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो निकालते हैं निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं निफ्टी क्लोजिंग का आई। निफ्टी क्लोजिंग आई 18,065। निफ्टी ने 18,000 के अबव क्लोजिंग किया है आफ्टर 16 फरवरी। 16 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी ने आज 18,000 के अबव क्लोजिंग किया है और निफ्टी काफी बुल रन मार चुका है। निफ्टी में काफी सॉलिड मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपर साइड के लिए। तो बात करते हैं वीकली एनालिसिस, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। देखिए, निफ्टी का जो भी मेन रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है 18,140, जो आपको दिख रहा 16 फरवरी के कैंडल का हाई, इसको मार्क कर लेते हैं अपने। एंड देन निफ्टी में टारगेट आएगा 18,270। तो निफ्टी में जो भी ये दो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 18,140 एंड 18,270, अगर निफ्टी 18,270 के ऊपर निकल जाए, देन अपने को कमिंग वीक में निफ्टी में 18,440 ये टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। निफ्टी अभी अपर साइड मोमेंटम कर रहा है, ये हमारे अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड में निफ्टी को सेलिंग तभी करना है जब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर दे 17,870। इस लेवल के नीचे जाने के बाद ही अपने सेल करेंगे, इसके पहले और सेल नहीं करना है। निफ्टी भी टोटली बुल रन मार चुका है, तो अपने इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एवरी डिप पे अपने को बाय करना है। जब निफ्टी नीचे आए तो अपने वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेल तभी करना है जब निफ्टी 17,870 के नीचे क्लोज करते हैं, देन यहाँ से सेलिंग साइड का प्लान जनरेट होगा। ये था निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 43,000 के अबव आफ्टर कब चेक करते हैं, 24 जनवरी। 24 जनवरी के बाद निफ्टी ने 43,000 के अबव क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग हो चुका है, बैंक निफ्टी काफी सॉलिड मोमेंटम कर रहा है अपर साइड के लिए। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है, जस्ट 800 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई से। तो बैंक निफ्टी के लिए कमिंग वीक्स में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे निकालते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी क्लोजिंग अभी 43,200 के अबव आई है। बैंक निफ्टी में जो मेन रेजिस्टेंस है ये है 43,590। देखिए, इसमें बैंक निफ्टी ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, 1, 2, 3, 3 बार बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस से नीचे आया है। तो बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है 43,590, उसको पहले मार्क कर लीजिए अपने सिस्टम में। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाए, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को निकाल दे, देन अपने बात कर सकते हैं बैंक निफ्टी 44,000 एंड ऑल टाइम हाई के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फर्स्ट अपना रेजिस्टेंस है 43,590 एंड सेकंड है ऑल टाइम हाई 44,000, आप बोल सकते हैं उसको राउंड फिगर में। ये था बैंक निफ्टी का दो इंपॉर्टेंट लेवल। बैंक निफ्टी को तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक बैंक निफ्टी 42,630 के नीचे ना आ जाए। इसके बीच में जब जब मार्केट नीचे आता है, बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो अपने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि ये मार्केट अभी बाय ऑन डिप का हो चुका है। जब जब मार्केट नीचे आएगा तो वो बाइंग के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा मौका। मार्केट फिर ऊपर चल जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर चल जाएगा। फाइनली सेलिंग करना है हम लोग को 42,660। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे, देन अपना सेलिंग साइड का पोजीशन एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसके नीचे सेल नहीं करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल ऐड नहीं हो जाइए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें इंट्राडे में हम लोग फ्री ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।